press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए शिवसेना का सामना का जो अखबार है वो जो है हमेशा एक पोपट मास्टर है और पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम अकेले लड़ेंगे, पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम मोदी को हराएंगे, तो पोपट ने कुलाटी मारकर मोदी के साथ चले गए। तो अब हम इन पोपट मास्टरों को उनको ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ये दे रहे हैं कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं है ना ये लोग, उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया उनको तो उनको मालूम होगा कि चॉइस, कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुरखा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है, MCC का ग्रेव वॉयलेशन है और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज़ में आता है, ये पेड न्यूज़ में आता है, तो ये तीन चीज़ों का ये ग्रेव वॉयलेशन है। एक तो इनको समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको लगता है कि कोई इनके सामने कोई खतरनाक शेर आ चुका है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि भैया चॉइस जो है ना वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी कोई भी कपड़ा पहन सकता है। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज़ जीन्स नहीं पहनना।